Okay ji, now we will discuss about the exercise of chapter number 15 इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस फिजिकल ट्रेट सच एज सीड कलर और पॉट शेप इज कॉल्ड इट्स। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फिजिकल ट्रेट्स को शो कर रहा है, जैसे सीड कलर हो गया, पॉट शेप हो गई, तो ये क्या होगी, जीनोटाइप होगी, फिनोटाइप होगी, कैरियोटाइप होगी या फिर फिजिकल टाइप होगी उसकी। तो ये जो हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ सिंगल ट्रेट, इट्स जीनोटाइप इज सेड टू बी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस एंड होमोलोगस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। Number third, in the cross pollination between a true breeding yellow pod plant and a true breeding green pod plant, where green pod plant is dominant, the resulting offspring F1 generation will be। That है, अगर वो green plant जो है वो dominant है तो वो जो yellow है उसको यानी show नहीं करेगा। तो all green यानी D option इसका बिल्कुल correct है। Number four, how many genetically different kinds of gametes an individual with genotype AABB can produce? तो ये जो है ये इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी जो है वो करेक्ट है। Number five, which of the following statements regarding genes is false? के genes को लेकर इनमें से कौन सी statement जो है वो false है, wrong है। Genes are located on chromosomes, बात ठीक है। जीन्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये भी ठीक है। जीन कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन, ये भी ठीक है। ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल कॉपी ऑफ एवरी जीन, ये बात जो है वो गलत है। तुम्हारे पास डी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। नंबर सिक्स, मेंडल्स प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस वाज। के इसकी जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है वो क्या थी हमारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें अगर हम देखें तो द आइडिया डैट जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, explanation of the patterns of inheritance, the discovery of alleles, determining that informations contained in DNA are for protein synthesis। तो B option जो है वो हमारे पास correct है इसका, explanation of the patterns of inheritance। नंबर सेवन है हमारे पास, अ पर्पल फ्लॉर्ड पी प्लांट हैज़ द जीनोटाइप पी पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट इज़ फॉल्स। के हमारे पास उसने ये बोला है कि जो आपके पास पर्पल फ्लॉर्ड पी प्लांट है उसकी जीनोटाइप जो है वो पी पी है, ठीक है, यानी ये डोमिनेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इट्स फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लॉर्स, इट हैज़ अ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, व्हेन ब्रेड टू अ वाइट फ्लॉर्ड प्लांट ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी पर्पल फ्लॉर्ड। उसने ये कहा है कि जब इसकी ब्रीडिंग करवाओगे वाइट फ्लॉर्ड प्लांट के साथ तो जितने भी यानी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे पर्पल फ्लॉर्ड होंगे, ठीक है जी। ऑल द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड विल हैव द सेम फ्लोर कलर एलील, ठीक है जी। जितने भी गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे वो सेम फ्लोर कलर जो है उनका एलील का मौजूद होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन जो है इट्स फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लोर, तो ये जो है ये थोड़ी सी मिसिंग करती है। नंबर एट को देखें तो चार्ल्स डार्विन प्रपोज डैट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मैनी मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन पॉसिबल सर्वाइव ऑन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑफस्प्रिंग डैट आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव आर दोज। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक जो स्पीशीज़ वगैरह या ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनके क्या वजूहात इसने बयान की कि क्या वजह है उनकी कि वो मोस्टली सर्वाइव कर लेते हैं, जिसमें उसने आगे ऑप्शंस में दिया आर बोर्न फास्ट, फर्स्ट वो पहले बोर्न हो जाते हैं, और एंड ग्रो फास्टेस्ट और जो बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करते हैं। नंबर बी ऑप्शन आर लार्जेस्ट, बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं एंड मोस्ट एग्रेसिव, हैव नो नेचुरल प्रीडेटर्स, आर बेस्ट अडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट। तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो हैव नो नेचुरल प्रीडेटर्स, ऑलरेडी जैसे हम चार्ल्स डार्विन की हमने थ्योरीज पढ़ी हैं तो उसमें उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक माउस और कैट की। तो कैट जो है वो प्रीडेटर यानी कि प्रे कर रही है उसके ऊपर, माउस के ऊपर, यानी जो हमने वाइट उसकी लाइट और मीडियम वैरायटी को देखा था, ठीक है जी। तो डार्क जो है उस पर वो फीड नहीं करती, जबकि अगर हम मौत को देखें तो मौत जो है वो भी सेम ऐसे ही उसकी एग्जांपल थी, तो इसको इसने लिया। तो ये हमारे पास इसका बेटर ऑप्शन बन गया सी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या है कि जीनोटाइप जो है ये कॉम्बिनेशन होता है अलील्स का जो पेयर बनते हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स जो है वो पेयर होते हैं, उसमें दो अलील मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो पेयर कॉम्बिनेशन होता है अलील्स का, डिफरेंट काइंड के अलील्स का, ये जीनोटाइप होती है। अब जीनोटाइप से आगे जो एक्सप्रेशन शो होता है, लाइक कलर हो गया, ठीक है ना, जो भी यानी बॉडी स्किन का कलर हो गया, ठीक है, जैसे वो एल्बिनिज्म की हमने एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स खसूसियात होती हैं, ये जो होती हैं फिर आगे फिनोटाइप्स होती हैं। नंबर 2, व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील का मतलब क्या, लाइक अगर हम सिंपली ये बात कर लें कि हमारे पास एक ये है प्रोसेस, ठीक है जी, यानी ए, और एक हमारे पास है जी इस तरह से, ये कर लें, ठीक है जी। अब होगा क्या कि अगर हम इसको देखें तो ये जो है ये हमारे पास डोमिनेंट है और ये जो है ये हमारे पास रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या करता है कि रिसेसिव के साइन को रिड्यूस करके, मास्क करके अपने आप को शो करता है, यानी कि रिसेसिव जो है वो शो नहीं होती, जबकि जो डोमिनेंट है वो शो हो जाती है, ठीक है जी। रिसेसिव को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है और डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट आर द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स, के होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स, ऐसे जो हमारे पास जीन्स के पेयर जिनमें सेम काइंड्स ऑफ अलील्स मौजूद हों वो होमोजाइगस, और जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलील्स जो हैं वो मौजूद हों तो वो हमारे पास हेटेरोजाइगस। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये देखें, ये होमोजाइगस कंडीशन है जिसमें सेम टाइप्स ऑफ अलील्स और डोमिनेंट कंडीशन है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये तो हमारे पास ये भी जो है ये सेम काइंड्स ऑफ अलील्स, होमोजाइगस जनरेशन है और रिसेसिव है, ठीक है जी। अगर हम हेटेरोजाइगस की बात कर लें तो हेटेरोजाइगस हमारे पास इस तरह से आ जाएगी कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, ठीक है जी। होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट रिलेशन है, एक रिसेसिव रिलेशन है, ठीक है जी। और फर्दर अगर हम बात कर लें लाइक इस तरह से तो ये भी हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, के नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये आपको चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे इसका डिटेल में मिल जाएगा। और जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है ये पेज नंबर 108 के ऊपर जो है वो टॉपिक जो है वो गिवन है, तो वहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, के क्रोमेटिन जो है ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करें। क्रोमेटिन जो है ये एक मटेरियल होता है, ठीक है जी, जो कंडेंस मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स वगैरह के अंदर। तो इसका जो यानी मेन टॉपिक है वो पेज नंबर 94 के ऊपर जो है वो गिवन है, वहाँ से आप इसको देखकर स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के जो 2 लॉज हैं उनमें से एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये इसको अगर हम देखें जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोला जाता है, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये पेज नंबर 98 के ऊपर जो है वो गिवन है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन हाउ मेंडल प्रूव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, के मेंडल ने जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको किस तरह से प्रूव किया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, यानी इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 100 के ऊपर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ वुड यू प्रूव डैट वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, कि आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि जो वेरिएशन है वो लीड होती है, कि वेरिएशन से आगे एवोल्यूशन बनती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब वेरिएशंस आती हैं बहुत सी तो वो एक एवोल्यूशन का सबब बन जाती है। तो इसको अगर हम देखें तो ये पेज नंबर जो है वो 104 के ऊपर गिवन है। उसके बाद नंबर 5, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो है वो हमने शो करने है उसका फिनोमेनन विद एग्जांपल। तो ये जो है ये पेज नंबर 102 के ऊपर जो है वो डिटेल में जो है वो गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट डू यू मीन बाय को डोमिनेंस, गिव एन एग्जांपल। को डोमिनेंस क्या होती है और इसकी एग्जांपल दे। को डोमिनेंस की अगर हम देखें तो को डोमिनेंस एक ऐसी डोमिनेंस है जिसमें दोनों मौजूद अलील जो हैं वो अपने आप को शो करते हैं, इसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन नहीं होता। तो ये हमारे पास जो है वो पेज नंबर 102 के ऊपर ही जो है इसका आंसर गिवन है। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं और टर्म्स टू नो हैं। ये जो टर्म्स टू नो हैं ये सारी जो है ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी अगर आप उनको स्टडी करें तो मिल सकती हैं, और ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर भी ये सारे डेफिनेशंस वगैरह जो हैं ये मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 की, तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। ओके, थैंक्स।